हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह पंवार आप सभी का स्वागत करता हूँ आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उपसहा संयोजी यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है और इस पहले वीडियो में मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको इस चैप्टर का जो बेसिक मतलब है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स। देखिए, उपसहसंयोजी यौगिक के बेसिक्स को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसके अंदर इस यौगिक का निर्माण होगा और मैं आपको उस एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि इसके बेसिक क्या है। देखिए, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजी बंध बनाता है, अर्थात यहां दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहां दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और यहां दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का युग्म, इलेक्ट्रॉन का युग्म मतलब जोड़ा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का युग्म है इसको हम बोलते हैं एकाकी युग्म। NH3 में अष्टक किस प्रकार पूरा होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपके नाइट्रोजन का अष्टक इसमें पूरा है और ये अपने आप में एक परफेक्ट सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध। ठीक, अब क्या होता है कि इसके पास में आता है H+। अब जो हमारा H+ है वो पूरी तरह से गरीब है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन भी उसने त्याग दिया है क्योंकि आप देखिए प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा चुका है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये H+ बन के आया है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकाल लिया है, मतलब ये बिल्कुल खाली है। अब ये नाइट्रोजन से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आपके साथ बॉन्ड बनाना है। तो नाइट्रोजन किस तरह से बॉन्ड बना सकता है? देखिए, नाइट्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो साझेदारी कर सकते हैं, जैसे यहां पे वो रखिए। दूसरी बात, ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इस हाइड्रोजन को नहीं दे सकता क्योंकि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नाइट्रोजन ने दे दिए तो इसका घर तो बच जाएगा, पर नाइट्रोजन के पास बचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन। इस कारण से नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से हाइड्रोजन को नहीं दे सकता, मतलब यहां पर आयनिक बंध बनने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो साझेदारी नहीं कर सकता। इसलिए अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सांझित बंध बनने की भी कोई संभावना नहीं है। तो यहां पर एक स्पेशल बॉन्ड बनता है। वो स्पेशल बॉन्ड क्या है कि नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है पर उससे ये बॉन्ड साइन करवाता है कि आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के नहीं जा सकते। मतलब सीन इस तरह का बनता है कि नाइट्रोजन ने यहां सांझित कर रखा है, यहां सांझित कर रखा है, यहां सांझित कर रखा है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए ऐसे एरो बनाएंगे हम और साथ में दिखाएंगे हाइड्रोजन को। अब बॉन्ड क्या साइन हुआ है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं किसको? हाइड्रोजन को। पर हाइड्रोजन जो H+ था वो इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के नहीं जा सकता। समझे बात को? जैसे आप देखते हो आयोनिक बंध में, आयोनिक बंध में क्या होता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं, सही बात है? यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं बट वो हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं जा सकता। हालांकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एच के भी काउंट होंगे तो उसका आप जानते हैं एच का डुप्लेट होता है, वो डुप्लेट मतलब 2, तो वो कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन में भी काउंट होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो भी कंप्लीट हो गया। मतलब नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन की हेल्प कर दी बिना अपना खुद का नुकसान किए और इससे यहां ये जो बंध बना है इसको बोलते हैं अपन उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, और दोस्तों जहां भी उपसहसंयोजी बंध बना होता है उसको हम गुरु कोष्टक में दिखाते हैं, ऐसे स्क्वायर बॉक्स में इस तरह से। और आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं हाइड्रोजन को, तो अगर कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस आता है, तो इस पूरे कंपाउंड पे क्या आ गया है? प्लस आ गया है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है उसने इस हाइड्रोजन को अपने साथ में बांध लिया है दो इलेक्ट्रॉन दे करके।
अब ना तो ये हाइड्रोजन निकल सकता है ना ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले आ सकता है। अब ये जो आप देख रहे हो नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये अपने आप में बंध चुके हैं और इसके बनने से यौगिक बना है, उसका नाम क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक था। अब अगर आप सोचें तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये है NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम आयन। और अब अगर कोई जाए बाहर से तो आकर के इसके प्लस चार्ज को बैलेंस कर सकता है, जैसे मान लीजिए बाहर से Cl- आ गया तो ये क्या बन जाएगा, NH4Cl, इसको आप क्या बोलोगे, अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो NH4+ बना है उससे Cl जुड़ गया और क्या बन गया, NH4+ अमोनियम आयन और NH4Cl क्या कहलाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो मैंने बेसिक से आपको बात बताई कि उपसहसंयोजी यौगिक किस तरह से बनते हैं। अब इसके बारे में पता कैसे चला वो मैं आपको समझा रहा हूं, ये सेकंड पार्ट रहेगा, ध्यान से देखिए। अब उपसहसंयोजी यौगिक मार्केट में आए कैसे, उपसहसंयोजी यौगिक नाम की कोई चीज होती है उसका पता कैसे चला, इस तरह के बंध बनते हैं उसका पता कैसे चला, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है और इसके बाद आपके पूरे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे उपसहसंयोजी यौगिक के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, ये तीन मैंने आपके सामने यौगिक लिखे, कोबाल्ट है CO, Cl3.6NH3 अमोनिया, कोबाल्ट CO, Cl3.5NH3, CO, Cl3.4NH3। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे आपकी अपेक्षा क्या है, अपेक्षा का मतलब है आप इससे क्या मानते हैं कि कितने Cl- निकल सकते हैं, तो यहां से आप देख रहे हैं Cl3 है तो हमारी अपेक्षा है कि यहां से कितने Cl निकल सकते हैं, 3 Cl-। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां आपकी क्या अपेक्षा है, तो आप बोलेंगे कि सर यहां भी मेरी वही अपेक्षा है कि 3 Cl- निकलने चाहिए क्योंकि इसमें Cl3 है। यहां आपकी क्या अपेक्षा है, तो यहां पर भी Cl3 है तो कितने Cl- निकलने चाहिए, 3 Cl- निकलने चाहिए। तो इन तीनों में हमारी अपेक्षा वही है कि क्योंकि तीनों के अंदर 3-3 Cl लिखे हुए हैं, मतलब कितने Cl- निकलने चाहिए, 3 Cl- निकलने चाहिए। यहां तक समझ आता है। अब अगर मैं इन तीनों में अलग अलग ऐड करूं AgNO3 को, AgNO3 मिलाने पर, अब देखो ये जो AgNO3 है ना ये इस Cl से जुड़ सकता है, तो जो आपका AgCl से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा। तो AgNO3 मिलाने पर AgCl की अपेक्षा, अब ध्यान से देखना, अगर आप इसमें AgNO3 मिलाते हैं, इसमें AgNO3 मिलाते हैं, इसमें AgNO3 मिलाते हैं, तो AgNO3 में Ag है जो इस Cl से मिलके क्या बना सकता है, AgCl। AgCl का एक प्रेसिपिटेट है जो नीचे आके बैठ जाएगा। खैर, तो कितनी AgCl की अपेक्षा करूं, इसके पास कितने Cl है, 3 Cl है, तो AgNO3 मिलाने पर मैं ये मान सकता हूं कि 3 मोल AgCl बनने चाहिए। सिंपल सी बात, इसके पास 3 Cl- है तो आप मिला रहे हो AgNO3, तो AgNO3 में जो Ag है वो कितने से कंबाइन हो सकता है, 3 से, तो कितने मोल की अपेक्षा कर सकता हूं मैं, 3 मोल AgCl की। इसमें भी कितने मोल की कर सकता हूं, 3 मोल AgCl की, क्योंकि 3 Cl- है। इसमें भी कितने मोल की अपेक्षा कर सकता हूं मैं, 3 मोल AgCl की। ये हो गई भाई साहब अपेक्षा। अब वास्तव में कितने मोल मिलते हैं प्रैक्टिकली वो सुनना, वास्तव में मिलते हैं इधर 3 मोल, बहुत खुशी की बात है, जो चाहा वो मिला। इधर मिलता है 2 मोल और इधर मिलता है 1 मोल, ये वास्तव में। अब यह हमारे होश उड़ जाते हैं कि यार कंपाउंड का फॉर्मूला देखकर तो दिख रहा है साफ साफ कि Cl-3 है, Cl-3 है, Cl-3 है, AgNO3 मिलाने पर इधर भी 3 मोल AgCl बनना चाहिए क्योंकि AgCl जुड़ेगा, इधर भी 3 मोल बनना चाहिए, इधर भी 3 मोल बनना चाहिए, बट प्रैक्टिकल में कितना बन रहा है, इधर तो 3 मोल है, मतलब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, यहां 2 मोल बन रहा है
और यहाँ पे एक मोल बन रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? अगर उस कारण को ढूंढने जाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो पहले तो आपको केस का समझ में आ गया, केस आपको ये दिया गया है कि जो एक्सपेक्टेशन हो रही है उतने मोल एजीसीएल नहीं मिल रहे, आपको केस को सॉल्व करना है और बताना है ऐसा क्यों हो रहा है, और केस को सॉल्व करते करते अपने आप सीख जाओगे कि उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। करें शुरू। तो अब हम इस केस को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब अगर इस केस को सॉल्व करना है तो हमें इन तीनों की संरचनाओं के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसकी संरचना कैसी है, इसकी संरचना कैसी है, इसकी संरचना कैसी है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि संरचना किस तरह की है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हमारे ये जो कोबाल्ट भाई साहब हैं, ये कोबाल्ट के पास कक्षक खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, इनके पास जो कक्षक है वो खाली पड़े हुए हैं। तो कोबाल्ट क्या करता है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास एकाकी युग्म है, उनसे उनके इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने कक्षक में रखता है, ठीक है। कोबाल्ट के पास कक्षक खाली पड़े हैं, तो कोबाल्ट क्या करता है, कोबाल्ट जो है वो ऐसे बंदे जिनके पास इलेक्ट्रॉन है जैसे कि NS3, उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने कक्षक में रखता है। अब सामने वाला अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो एक बॉन्ड साइन करता है। वो बॉन्ड क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन मैं आपको दे रहा हूं पर आप मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे। जैसे इस NS3 ने H+ के साथ में बॉन्ड साइन किया था कि भाई मैं दोनों इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा हूं पर आप जिंदगी में अब आगे H बाहर नहीं जा सकता है, H+ बन के बाहर नहीं निकल सकता है। समझ रहे हो बात को? तो एच को बांध दिया इसने। कैसे बांधा? उपसहसंयोजी बंध से। तो बिल्कुल वैसे ही कोबाल्ट भी कहता है कि ठीक है, मैं बंधने को तैयार हूं, आप मुझे इलेक्ट्रॉन दो। और उसको पता है कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर चाहिए। जैसे H+ को तो एक ही पेयर चाहिए था, कोबाल्ट की भूख ज्यादा है, उसको 6 पेयर चाहिए। कितने चाहिए? 6 चाहिए। अब ध्यान से देखना, 1, 2, 3, 4। आपने अष्टफल की संरचनाएं पढ़ी होंगी 11th क्लास में, तो ऐसे ऊपर से 5, नीचे से 6। सेम इसके साथ 1, 2, 5, 6। सेम इसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे कोबाल्ट भाई साहब को कितने बंदे चाहिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन का युग्म देने के लिए? 6 बंदे चाहिए। ओके, अब ये अष्टफलकीय संरचना कहलाती है। अगर किसी को कंफ्यूजन है अष्टफलकीय में तो मैं आपको एक बार क्लियर करता हूं। ये देखिए, ये एक स्क्वायर मान लो, तो यहां पे कोबाल्ट है, एक बंदा इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, एक इधर से देगा, एक इधर से देगा, एक इधर से देगा, तो 4 युग्म ऐसे आएंगे, एक युग्म ऊपर से आएगा और एक युग्म नीचे से आएगा, ठीक है। तो अब उसको आप समझ चुके होंगे कि ये 4 ऐसे हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, इसको बोलते हैं अष्टफलकीय संरचना। खैर, तो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले कितने लोग चाहिए? 6 लोग चाहिए। और वो 6 लोग जब उससे जुड़ जाएंगे, जैसे ये हाइड्रोजन जब इससे जुड़ गया तो उसका खुद का अस्तित्व खत्म, अब वो खुद नहीं निकल सकता बाहर। बिल्कुल वैसे ही इस कोबाल्ट से भी जो 6 लोग जुड़ेंगे, वो 6 लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट वाले बंदे बाहर नहीं निकल सकते। ये डील क्लियर है आपको? अब देखना, अब समझ में आ जाएगा। यहां पर वो 6 लोग, पहले वाले एग्जाम्पल में, मैं पहले वाले का बना रहा हूं, पहले वाले एग्जाम्पल में वो 6 लोग पता है कौन है? NH3 है। तो एक NH3 ने दिया, दूसरे NH3 ने दिया, तीसरे NH3 ने दिया, चौथे NH3 ने दिया, पांचवे NH3 ने दिया, छठे NH3 ने दिया। NH3 ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, स्क्वायर बॉक्स में बंद हो गया, अब बॉक्स से बाहर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। कोबाल्ट का ऑक्सीजन संख्या होती है 3+, तो इस पूरे पे चार्ज कितना रहेगा? 3+। अब देखो, जब इस तरह का प्लस चार्ज होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर माइनस आता है। जैसे यहां पे भी ये प्लस था तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन आया था? माइनस। तो यहां पर उसको बैलेंस करने वाला कौन है? ये 3Cl। तो क्या बन गया? यहां लिख सकते हो Cl3, ठीक है, ये संरचना हो गई। अब सेकंड वाले में समझो, कोबाल्ट को मतलब नहीं है, उसको 6 लोग चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे।
पहला बंदा कौन है, पांच एनएच थ्री है, तो पांच जगह तो आप लिख दो एनएच थ्री, एक दो तीन चार पांच, बट एनएच थ्री तो पांच ही है, उसको कितने चाहिए, छह चाहिए, तो वो छठा पता है किससे लेगा, वो छठा लेगा एक सीएल से, तो एनएच थ्री की जगह एक एनएच थ्री कम हुआ, उसका स्थान कौन ले लेगा, सीएल, सीएल के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, सीएल माइनस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसने किसको दिया, सीएल ने कोबाल्ट को, बस कोबाल्ट ने उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको बांध लिया अपने से, अब ये सीएल बॉक्स के अंदर जा चुका है, अब ये सीएल बाहर नहीं निकल सकता, और देखिए कोबाल्ट में होता है प्लस थ्री, जैसे मैंने आपको बताया सीएल है माइनस, तो प्लस थ्री माइनस वन कितना बचा, केवल प्लस टू, प्लस टू को बैलेंस करने के लिए यहां पे दो सीएल है, तो दो सीएल आपके बाहर रहेंगे इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो बाहर सीएल टू रहेगा, मतलब एक एनएच थ्री के कम होने से एक सीएल बाहर से कहां चल गया, अंदर चल गया, इतना हुआ है केवल। इधर देखिए अब थर्ड केस में, ये जो आपका थर्ड केस है, ये सेकंड केस था, ये थर्ड केस है, इसमें कितने एनएच थ्री है, चार, तो चार एनएच थ्री से लेगा वो, एनएच थ्री खत्म, तो जब एनएच थ्री खत्म हो गया तो आप किसका लेना पड़ेगा, सीएल, कितनी जगह खाली है, दो जगह खाली है, तो दो को किससे लेगा, सीएल से, तो एक सीएल यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको, एक सीएल यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सीएल से इलेक्ट्रॉन लेकर के उसने अपने साथ जोड़ लिया उसको, अब इस बॉक्स के अंदर सीएल है, ये बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता। कोबाल्ट का होता है थ्री, आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा कैसे अपन देखते हैं, ये कोबाल्ट का होता है थ्री प्लस, एक सीएल माइनस, दूसरा सीएल माइनस, तो माइनस टू, तो प्लस थ्री माइनस टू कितना बचा, प्लस वन, तो बाहर प्लस वन रहेगा, उसको बैलेंस करने के लिए आप देखो दो सीएल जा चुके हैं, एक बचा हुआ है, तो एक सीएल यहां लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों संरचनाओं में एक बात सिद्ध है कि अंदर के लोग बाहर नहीं आ सकते, अंदर के लोग बाहर नहीं आ सकते, अंदर के लोग बाहर नहीं आ सकते। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हुआ यहां पर, देखना, जब आपने AgNO3 मिलाया, जब आपने AgNO3 मिलाया तो Ag ने मांग करी किसकी, Cl की, पहले वाले केस में अर्थात इसमें तीनों Cl बाहर है तो ये बाहर आ सकते हैं, तो तीनों Cl बाहर आ गए, और तीनों Cl के बाहर आने से कितने मोल आपको AgCl मिल गया, तीन मोल AgCl मिल गया। दूसरे वाले केस में बाहर केवल कितने Cl हैं, दो Cl हैं, ये Cl नहीं आ सकता क्योंकि ये बन चुका है, तो ये केवल ये वाले दो Cl बाहर आए, और इन दो Cl के बाहर आने से आपको केवल कितने मोल AgCl मिला, दो मोल AgCl मिला। उसके बाद जब आप इसकी बात करते हो तो यहां पे एक मोल ही क्यों मिला, क्योंकि यहां पे केवल ये एक Cl बाहर आ सकता है, ये दो Cl बाहर नहीं आ सकते, मतलब यही Cl आयनित हो सकता है, तो क्योंकि ये केवल ये Cl आयनित हुआ इसलिए आपको क्या देखने को मिला, एक मोल AgCl। तो ये इस तरह से प्रैक्टिकली हमको समझ में आया कि यार वास्तव में अंदर ये जो बंदे हैं ये फंस जाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद जाते हैं, ऊपर सांस योजी बंद बना लेते हैं और फिर आयनित नहीं हो पाते हैं, और तब निकल के आया बाहर ऊपर सांस योजी यौगिक। आई होप आपके समझ में आया है, फटाफट एक मिनट में रिवाइज करते हैं, कुछ यौगिक मैंने आपको लिख के दिए, उन यौगिकों में अपेक्षा यह थी कि भाई यहां से तीन सेल निकलेगा, यहां से तीन निकलेंगे, यहां से तीन निकलेंगे, तो हम तीन मोल AgCl, तीन मोल AgCl, तीन मोल AgCl की अपेक्षा कर रहे थे, प्रैक्टिकली हमको तीन दो एक मिलता है। फिर हम कारण में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कोबाल्ट जो है उस कोबाल्ट को छह बंदे चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि उसके कक्षक खाली है, तो छह बंदे कौन है, अब संरचना बना के तैयार कर दिया अपन ने, पहले वाले केस में देखा तो यहां हमने देखा कि NH3 है, NH3 कितने हैं, छह, तो छह के छह NH3 ने कोबाल्ट को दे दिया और कोबाल्ट का घर बस गया, कोबाल्ट पे चार्ज होता है प्लस थ्री, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर कौन आ गया, माइनस थ्री, तो जब ये टूटेगा तो ये तीन से अलग हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या मिल रहा था, तीन मोल AgCl। फिर सेकंड वाले केस में आपने देखा कि पांच ही NH3 है, तो पांच जगह ले ली NH3 ने और एक जगह लेनी पड़ी किसको, इस Cl को, अब ये Cl कोष्टक में जा चुका है तो ये बाहर नहीं आ सकता, तो बाहर केवल कितने Cl बचते हैं, दो Cl, तो जब ये हटेगा, ये टूटेगा तो आपको कितने Cl माइनस प्रदान होंगे, दो Cl माइनस, इसलिए यहां पे क्या मिल रहा था आपको, दो मोल AgCl। तीसरे वाले केस में चार NH3 थे, बाकी दो की भूमिका किसको निभानी पड़ी, Cl को, तो अब ये दो Cl बाहर नहीं आ सकते, केवल एक ही सीएल बाहर है, केवल एक ही सीएल बाहर है, तो वो जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, एक मोल AgCl।
तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको समझाया कि उपसंहार यौगिक क्या होते हैं। अब मैं थ्योरी के साथ में आपको क्लियर करता हूं और ये सब किसने बताया था उस बंदे का नाम भी क्लियर करता हूं, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को रफ कर दूंगा, ये तीनों डायग्राम बने हुए रहेंगे, ये बना हुआ रहेगा और मैं यहां पे लैंग्वेज लिख देता हूं, फिर हम लैंग्वेज के हिसाब से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझने में हेल्प करेगा कि बेसिक्स क्या थे। अब हम इसको लैंग्वेज से थोड़ा क्लियर करते हैं। संकुल यौगिक की परिभाषा देखिए, जब कोई धातु कोबाल्ट जो है वो एक धातु है, जब कोई धातु अत्यधिक ऋणायन, देखिए सीएल क्या है, अत्यधिक ऋणायन है, माइनस है, सीएल नेगेटिव है, तो अत्यधिक ऋणायन या उदासीन अणुओं से, एनएस3 कैसे अणु है, उदासीन अणु है, तो उदासीन अणुओं से जुड़ी होती है तो क्या बनते हैं, संकुल यौगिक बनते हैं। यहां तक ठीक है। फिर आता है उपसंयोजी यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। देखिए वर्नर सिद्धांत के अनुसार ये बताता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी धातु आयन की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। अभी तक आपने एक ही प्रकार की संयोजकता पढ़ी है जो कि इलेक्ट्रॉन विन्यास से निकलती है। जब हम उपसंयोजी यौगिकों की बात करते हैं तो यहां पे दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। कौन सी है, देखिए पहली है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। पहले मैं आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लैंग्वेज पढ़ेंगे। देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी यहां पर, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें थी +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 थी, जिसको बैलेंस करने के लिए आपके पास कितने सीएल लग रहे थे, 3 सीएल लग रहे थे, सही है। तो जो केंद्रीय परमाणु की, जो कोबाल्ट है हमारा, जो केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, जो +3 है, ये +3 क्या है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, तो परेशान ना हो अगर नहीं भी पता है। तो +3 क्या है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, जो परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है, वही क्या है, उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। तो प्राथमिक संयोजकता के लिए तो दिमाग में एक ही चीज याद रखनी है कि प्राथमिक संयोजकता जो है वो आपके परमाणु की क्या होती है, केंद्रीय परमाणु की, ये कहलाता है केंद्रीय परमाणु, इस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। दूसरी बात, अब ये जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये बंदा प्लस है, तो प्लस को बैलेंस किससे करते हैं अपन, माइनस से करते हैं। कितना प्लस है, ये 3 प्लस है, तो बैलेंस करने के लिए कितने माइनस चाहिए, 3 माइनस चाहिए। तो ये है प्राथमिक संयोजकता। धातु आयन धनावेशित होता है तो वे प्राथमिक संयोजकता में ऋणायन से जुड़ता है। अब देखिए +3 है तो कितने ऋणायन से जुड़ा हुआ है, ये 3 से जुड़ा हुआ है, ये कहलाता है आपका प्राथमिक संयोजकता। और ये सामान्य रूप से आयनित होती है, आप आयनित कर सकते हैं इसको, देखो यहां पे सीएल बाहर निकलेगा तो ये आयनित है। यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था है, ये केंद्रीय धातु परमाणु की क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है। ये बदल भी सकती है, देखो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, जैसे एक है FeCl2 और एक है FeCl3। तो FeCl2 में Fe है +2 और FeCl3 में Fe है +3, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था बदल सकती है। एक ही बंदा है आयरन Fe, एक जगह दिखा रहा है +2 ऑक्सीकरण अवस्था, एक जगह दिखा रहा है +3 ऑक्सीकरण अवस्था। इसके +2 को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 माइनस है सीएल माइनस, या इसके +3 को बैलेंस करने के लिए 3 सीएल माइनस है। तो बदलने वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती है, भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती है। अगर ऑक्सीकरण अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती है तो फिर प्राथमिक संयोजकताएं भी भिन्न भिन्न हो सकती है। तो प्राथमिक संयोजकताएं एक से अधिक मिल सकती है आपको किसी धातु के लिए, क्योंकि धातु अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। तो दिमाग में एक ही बात रखना कि कोई भी आपसे पूछे प्राथमिक संयोजकता क्या है, तो आपको डायरेक्ट उसको बोलना है ये होती है धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, बात खत्म। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं करते हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। दूसरा आता है द्वितीयक संयोजकता। ये बताओ ये कोबाल्ट जो है वो कितने लोगों से जुड़ रहा है, तो ये कोबाल्ट जुड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 से, ये जुड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 से, ये जुड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 से। तो जो कोबाल्ट है वो हर बार कितने लोगों से जुड़ रहा है, 6 लोगों से, तो वो कहलाएगी इसकी द्वितीयक संयोजकता। और ये फिक्स है, आप देखो यहां पे 6 NS3 थे तो 6 NS3 जुड़े, 5 NS3 थे तो इसने एक सीएल को ले लिया,
पर जोड़ा कितने को? 6 को। यहां पे 4 NH3 के, उसने 2 Cl को ले लिया पर जोड़ा कितने को? 6 को। तो ये धातु के लिए क्या होती है? निश्चित होती है। सही बात है, पढ़ो। यह संयोजकता प्रायः उदासीन अणुओं द्वारा, देखो ये क्या है, उदासीन अणु है, या फिर ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तो यहां पे सारे उदासीन अणु संतुष्ट हो गई, 6 की 6। यहां पे 5 तो संतुष्ट हुई है उदासीन से और 1 संतुष्ट हुई है आपके ऋणायन से। यहां पे 4 संतुष्ट हुई है उदासीन से और 2 संतुष्ट हुई है ऋणायन से। ठीक है, यह अनआयनित होती है। मैंने आपको बताया था कि यहां पे सीएल फंस गया था, वो बाहर नहीं जा पा रहा था। अगर बाहर जाता तो हमको ज्यादा ईजीसीएल मिलते, बट ये बाहर नहीं जा सकता क्योंकि यह अनआयनित है। तो ये कहलाती है द्वितीयक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता के लिए केवल एक ही बात दिमाग में रखनी है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ही कहलाती है प्राथमिक संयोजकता। ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, बात खत्म, सिखाऊंगा आने वाले वीडियो में। दूसरा, द्वितीयक संयोजकता होती है कि वो केंद्रीय धातु परमाणु कितने उदासीन या फिर ऋणात्मक आयनों से जुड़ रहा है, वो कहलाती है उसकी आपकी द्वितीयक संयोजकता। ये धातु के लिए निश्चित होती है और अनआयनित होती है। ये बदल सकती है, जब ऑक्सीकरण अवस्था बदलती है तो ये भी बदल सकती है, बट ये निश्चित होती है, ये कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको डेटा गिवन होगा और डेटा देने के साथ में वो आपसे पूछेगा द्वितीयक संयोजकता बताओ। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन से ही क्लियर करूंगा। देखिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं के द्वितीयक संयोजकता बताइए। तो द्वितीयक संयोजकता आपको समझ में आ गई है। द्वितीयक संयोजकता का मतलब है कि वो धातु जो है वो अपने चारों तरफ कितने लोगों से कनेक्टेड है, मतलब ऋणायन से या फिर उदासीन से कितनों से कनेक्टेड है डब्बे के अंदर, स्क्वायर बॉक्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं सिंपल फॉर्म में द्वितीयक संयोजकता। अब यहां जो आपको डेटा गिवन है, मैंने इसी जगह से पढ़ाना शुरू किया था, एक्चुअल में इसी फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया है, तो अब उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ गया है तो आराम से कर पाएंगे आप लोग। देखिए हम थोड़ा जज करेंगे पहले, ये जो यौगिक है इसमें AgNO3 मिलाने पर ये 2 मोल देता है AgCl, ये गिवन है। ये जो यौगिक है इसमें AgNO3 मिलाने पर ये 2 मोल AgCl देता है, ये गिवन है। इसका क्या मतलब है? 2 मोल AgCl दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से 2 Cl- बाहर आ रहे हैं, और इसके अंदर से 2 Cl- बाहर आने का मतलब है डब्बे के बाहर 2 Cl2 है, मतलब 2 Cl है, क्योंकि अगर Cl डब्बे के अंदर है तो वो बाहर नहीं आ सकता, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अब क्योंकि ये कह रहा है कि 2 AgCl बन रहे हैं, मतलब यहां पर 2 Cl जो है वो डब्बे के बाहर है, तो मैंने डब्बे के बाहर कितने Cl बना दिए? 2 Cl बना दिए। अब देखिए 2 Cl है इसके पास, वो डब्बे के बाहर गए, तो केवल कौन बचा? NH3। कितने NH3 है? 4। तो अंदर क्या है? PD है और 4 NH3 है, मतलब ये जो आपका पैलेडियम है PD, ये कितने NH3 से जुड़ रहा है? 4 से, मतलब 4 NH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। जैसे कोबाल्ट की 6 थी ना, वैसे इसकी कितनी है? 4 है। आसानी से कर पाए अपन। दूसरा एग्जांपल देखो, ये जो यौगिक है इस यौगिक में AgNO3 मिलाने पे 2 मोल मिलते हैं AgCl, मतलब डब्बे के बाहर आप 2 Cl लिख सकते हैं, तो डब्बे के बाहर लिख दिया 2 Cl। अब निकिल बचा, 2 Cl गए डब्बे के बाहर, बचे 6 जल के अणु बचे। तो निकिल जो है वो कितने लोगों से घिरा हुआ है डब्बे के अंदर? H2O में ऑक्सीजन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है, तो इसका मतलब 6 जल के अणु उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब वो कितना जुड़ा हुआ है? 6 से। तो द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई? 6 हो गई। इधर आइए, इस यौगिक में AgNO3 मिलाने पर 1 मोल मिलता है AgCl, मतलब डब्बे के बाहर कितने Cl है? केवल 1, बाकी सब अंदर है, तो कोबाल्ट है,
तीन सीएल में से एक डब्बे के बाहर गया, दो बचे, ऐसे लिखोगे, चार एनएच थ्री है। मैं आपको दुनिया की सबसे आसान अप्रोच बता रहा हूं इस टॉपिक को करने की, कि भाई जो इसने जितने नंबर लिख रखे उतने सीएल को बाहर भेज दो डब्बे के, जो बचा हुआ अंदर है। अब कितने लोग हैं अंदर, दो सीएल चार एनएच थ्री, मतलब छह लोग ऐसे हैं जो कोबाल्ट को दे रहे हैं। ये तो मैंने अभी आपको समझाया भी था एग्जाम्पल में। तो इसका मतलब इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई, छह हो गई। इस पर आते हैं, जीरो मतलब डब्बे के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग। अब डब्बे के अंदर ही आएंगे सब, दो सीएल डब्बे के अंदर है, एनएस थ्री दो डब्बे के अंदर है। तो यही मतलब हुआ ना इसका, एक भी एजीसीएल नहीं मिला मतलब एक भी सीएल माइनस नहीं बना, एक भी सीएल माइनस नहीं मिला मतलब डब्बे के बाद सीएल है ही नहीं, सीएल अंदर है, फंसा हुआ है, नहीं आ सकता बाहर। तो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है प्लैटिनम, चार से। तो इसकी द्वितीय संयोजकता कितनी हो गई, चार। तो दोस्तों इस तरह से हम पता लगाते हैं जो डेटा हमको गिवन होता है उससे कि द्वितीयक संयोजकता क्या है। ट्रिक एकदम सिंपल है, जितने अणु बता रहा है वो आपको मिल रहे हैं एजीसीएल के, उतने सीएल बाहर निकाल लीजिए। दो मिल रहे हैं दो बाहर, दो मिल रहे हैं दो बाहर, एक मिल रहा है एक बाहर, नहीं मिल रहा बाहर मत निकालो, उसके बाद जो बचा है वो अंदर लिख दीजिए। फिर देखिए कि अंदर जो केंद्रीय परमाणु है वो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, वही क्या कहलाती है आपकी द्वितीयक संयोजकता। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने इस वीडियो के अंदर अभी परिभाषित नहीं किया है समन्वय सत्ता, लिगेंड वगैरह, ये सब भी इस चैप्टर में है। मैंने केवल आपको फील दिया है इस चैप्टर का, और इस तरह के क्वेश्चन जिनसे सब डरते हैं मैंने आपको वो क्वेश्चन पहले सिखाया है, ताकि लॉजिक क्लियर होगा तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था सहसंयोजी यौगिकों का लॉजिक। आने वाले वीडियो में मैं आपको परिभाषाएं सिखाऊंगा, फिर हम लोग आईयूपीएसी नामकरण सीखेंगे, फिर समावयवता सीखेंगे, फिर थ्योरीज आएंगी सीएफटी वीबीटी, वो सब पढ़ के चैप्टर खत्म होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी फील इस चैप्टर का, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर के बारे में और बात करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज बनाने का। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं आपको उसमें बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ओके टाटा।